खरगे बोले, अगले साल पीएम मोदी घर से फहराएंगे तिरंगा। हरदीप पुरी ने दिया जवाब, अपनी आंखों का इलाज कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राणी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ ट्रिगर न्यूज पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किला नहीं जाने को लेकर कहा कि आंखों में कुछ दिक्कत के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो अगले साल अपने आवास में झंडा फहराएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा, शायद खड़गे साहब की आंखों में परेशानी है, वो लाल किला तो नहीं आए लेकिन परिवार वाले किसी प्रोग्राम में गए हैं। हमें कहना है कि पीएम मोदी अगले साल फिर से लाल किले से देश के लोगों को संबोधित करेंगे। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बहुमत मिलता है तो पीएम मोदी फिर लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया जीतता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लाल किले के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से दूर रहने के कारण के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा, मुझे आंखों में कुछ समस्या है, प्रोटोकॉल के अनुसार मुझे सुबह अपने आवास पर ध्वजारोहण करना था, इसके बाद मुझे कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराना था। खड़गे ने आगे कहा कि सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि प्रधानमंत्री के निकलने से पहले किसी को जाने नहीं दिया जाता, अगर मैं वहां जाता तो यहां कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाता। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने एक संदेश में ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा और जीतेगा। लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपके देश की उपलब्धियों, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरव गान पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज़।